मथुरा में वर्ष 2006 में हुए एक अपहरण के मामले में एडीजे सेवेंथ ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए आर्थिक जुर्माने के आदेश दिए हैं। यह सभी आरोपी भूरा गैंग के सदस्य हैं। मथुरा के अपर जिला जज सेवन कोर्ट के एडीजे संजय चौधरी ने मथुरा शहर के पीर पंच गली के रहने वाले विनोद शंकर शर्मा, जिनका 28 सितंबर 2006 को अपहरण हो गया था, उस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन आरोपियों को 10,000 रुपए जुर्माने अदा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें, 28 सितंबर वर्ष 2006 को रोजाना की तरह विनोद शंकर शर्मा टहलने के लिए निकले थे, जिसमें बूरा गैंग के सदस्यों ने क्वालिस गाड़ी से उनका अपहरण कर लिया। बता दें कि उस वक्त अपहर्ताओं ने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन बाद में 4 लाख रुपए की फिरौती देने के बाद विनोद शंकर शर्मा को आगरा से अपहर्ताओं ने छोड़ दिया। अब 17 सालों बाद इस मामले में जिला सत्र न्यायालय के एडीजे सप्तम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आज माननीय न्यायालय एडीजे सेवन श्रीमान संजय चौधरी की अदालत द्वारा आज 10 अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत में आज 9 अभियुक्त उपस्थित थे। कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये भूरा गैंग था, जिसमें भूरा की मृत्यु हो गई थी। आज अवधेश यादव एक अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। आज माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों पर 10,000 रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना हुआ। घटना दिनांक 28 दिसंबर 2006 की घटना है और समय सुबह के करीब 5 बज रहे होंगे। प्रतिदिन की भांति विनोद शंकर शर्मा टहलने जाया करते थे। मथुरा के गली पीरपंच निवासी थे ये। गली पीरपंच से टैंक चौराहे तक जाते थे और जैसे ही ये लौट कर आ रहे थे, उक्त अभियुक्तों द्वारा क्वालिस गाड़ी में इनको अपहरण करके आगरा ले गई। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ेसी, मथुरा।